हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले एरो टाइपिंग के बारे में, टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं, मैटर को हम लोग सॉफ्टवेयर पे और एमएस वर्ड में कैसे टाइप करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने ये वीडियो कंटिन्यू देख लिया तो आपका भी एआरओ हो जाएगा, इस बार टाइपिंग पार। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कई टॉपिक्स पे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में हमने ये ढेर सारे टॉपिक्स पे बात किया था। स्टार्टिंग में हम लोग वीडियो में बात करेंगे एडवांस टाइपिंग, फॉर्मेटिंग एंड सॉफ्टवेयर टाइपिंग के बारे में, डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन क्या है, स्पीड को कैसे बढ़ाएं हम कम समय में, टाइपिंग कंटेंट हमें कैसे डाउनलोड करना है स्टूडेंट्स, और वो ढेर सारे शॉर्टकट कीज के बारे में। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं RITI। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एडवांस टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग एंड सॉफ्टवेयर टाइपिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पे एडवांस टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग की बात कर लेता हूं। तो एडवांस टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग क्या होगा यहां पे, देखिए आप लोग एमएस वर्ड पे आपको टाइपिंग करनी है। आज मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एमएस वर्ड वाली टाइपिंग आप सॉफ्टवेयर में कैसे कर पाएंगे। तो चलिए पहले आप लोगों को बात करते हैं यहां पे कि हम कैसे करेंगे एमएस वर्ड में टाइपिंग। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ कंटेंट दिखाया था और टाइपिंग करके भी दिखाया था। ये वही मैटर है जो हमने पिछले क्लास में टाइप किया था स्टूडेंट्स। मैं यहां पर टाइप कर चुका हूं। आप लोग को एक बात बता देता हूं कि अगर आपने मैटर मान लो टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर में तो आप कैसे स्पीड निकालेंगे कि आपकी स्पीड कितनी आई। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग को यहां पे क्या क्लिक करना है। ये देखिए यहां पे दिया हुआ है नीचे वर्ड, और अगर आप चाहें तो यहां से नहीं मिलता है तो आपको रिव्यू में जाना है, वर्ड काउंट मिलेगा यहां पे। वर्ड काउंट पे आप जाएंगे। अब आपको यहां पे क्या करना है, टोटल कुल कितने वर्ड टाइप किया गया इसमें है। तो ये कह रहा है 500 वर्ड टाइप किया गया है। अब मैं बात करूंगा यहां पर कुल हमने यहां पर टाइप किया है 3081 कैरेक्टर्स। तो अगर मैं यहां पे इसको डिवाइड कर देता हूं 15 से तो कितना आएगा। तो 15 से हम डिवाइड करेंगे 3081 को तो रिजल्ट आएगा यहां पे 205, यानी 205 वर्ड। अब इसको क्या करना है, 5 से डिवाइड कर देना है। तो 5 से जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने वर्ड परमिट किया है। तो आपने कुल किया है 41 वर्ड पर मिनट। दोस्तों आपको इतने ही वर्ड पर मिनट एग्जाम में भी लाने का प्रयास करना है। वैसे मिनिमम मार्क्स आपको दिया गया है कि आपको 17 मार्क्स लाना है, लेकिन हम 17 पे फोकस नहीं करेंगे, हमें 40 से 50 के बीच में फोकस करना है कि हमारे मार्क्स इसके बीच में आने चाहिए, तभी आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और सिलेक्शन के लिए इतना नंबर लाना बहुत जरूरी है। टाइपिंग आपके पास है, आप टाइपिंग पे फोकस करिए। मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूं तो आप उस पर ध्यान दीजिए। तो आप लोग एमएस वर्ड में इसी प्रकार से स्पीड अपना चेक करेंगे। अब स्पीड आपने निकाल लिया, अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये हमें कुल 15 मिनट के अंदर ही टाइप कर देना है, और टाइपिंग ही हमारी विद फॉर्मेटिंग के साथ में होगी। जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइपिंग कर रखा है, इस मैटर को आप लोग अपने कंप्यूटर पे प्रिंट कर लीजिए, और प्रिंट करके आप निकाल लीजिए कॉपी और फिर से टाइप करने का प्रयास करिए। यहां पे देखिए मैंने टाइप कर लिया है, और ये टाइप किए हुए मैटर को पूरा आपको दिखा रहा हूं। अब इनकी सेटिंग कैसे करना है, इसकी सेटिंग मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका हूं, लेकिन मैं आप लोगों को आज की क्लास में कुछ और एडवांस सेटिंग्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए पहले आपको मैटर दिखाते हैं कि कोड का ऑर्डर होता कैसे है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नेट पे सर्च करके रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये ऑर्डर है कोड का, और ये कुछ इस तरह से। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए ऑर्डर में कहीं भी कोई पिक्चर आपको ऐड करनी है तो आप पिक्चर कैसे ऐड करेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं साथ ही में, पिक्चर ऐड कैसे करेंगे आप लोग अगर करना पड़े तो। वैसे मेरा मानना है कि शायद नहीं आएगा पिक्चर ऐड करना, बट मे भी अगर आपको ऐड करना पड़े तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं आप लोग कंटेंट के हिसाब से कैसे ऐड करेंगे। ये आपको देखिए यहां पे मैंने ये कंटेंट टाइप कर लिया। अब मैं यहां पे एक पिक्चर ला रहा हूं,
ये है पिक्चर और इस पिक्चर को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कहीं भी। तो सबसे पहले क्या करना हमें है, रैप टेक्स्ट पे जाना है और इसे हमें करना है स्क्वायर या टाइट, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। ये टाइट आप कहीं भी आप इसे पकड़ करके आराम से रख सकते हैं किसी भी प्लेस पे आसानी से। तो पिक्चर की शेडिंग आपको बस और कोई इच्छा नहीं करनी है, बस यही इतनी पिक्चर की शेडिंग करनी है। चलिए अब आपको दिखाते हैं और आगे। तो ये कोड का आर्डर है, आपको इस फॉर्मेट में ही टाइप करना होता है, यानी कि कोड में इस प्रकार का फॉर्मेट टाइप किया गया होगा तो आप इस तरह के फॉर्मेट को कैसे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे यही फॉर्मेट है जो मैंने अभी आपको एमएस वर्ड में टाइप करके दिखाया था। तो यहाँ पे विशेष चीजों का ध्यान देना है आपको, और वो क्या है आपको पहले हम यहाँ पे दिखाते हैं। मैटर कैसा होता है टाइप करने के लिए, कुछ इस प्रकार से दोस्तों होता है मैटर। अब आप इस मैटर को टाइप करना आप लोगों को है, तो ऐसे ही मैं आपको यहाँ से लिस्ट ये भेज दूंगा आपको जो है कमेंट में, आप इन्हें डाउनलोड कर लीजिएगा और इन्हीं को टाइप करना है। देखिए ये कोड का मैटर है और इनको आपको टाइप करना है, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी आपको है। आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार के मैटर्स जो है हाई कोर्ट में टाइप होते हैं, ये बहुत सारा मैटर्स यहाँ पे हमने डाउनलोड किया है आपको समझाने के लिए। तो मैं अभी एक एक करके आपको समझाता हूँ कि किसको किस तरह से टाइप करेंगे आप लोग। तो ये काफी कुछ मैटर्स हैं यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए मैं आपको एक एक करके अभी स्टार्ट करता हूँ कि किस प्रकार से हमें यहाँ पे करना है टाइपिंग। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले से स्टार्ट करता हूँ। पिक्चर मैंने आपको बताया कि पिक्चर अगर आपको यहाँ पे लगानी है तो बीचों बीच में आप लगा सकते हैं, पिक्चर को किनारे लगा सकते हैं। अब पिक्चर के बाद में आता है यहाँ पे मैटर को टाइप करना है। तो हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं और कोई भी हेडिंग टाइप करेंगे। मैं यहाँ पे आपको करते हुए दिखाऊंगा, जैसे कि मुझे कोई भी हेडिंग टाइप करना है तो सीधा आपको शॉर्टकट की यूज करना है कंट्रोल प्लस ई। जैसे मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं मान लीजिए मुझे ये कैरेक्टर में टाइप करना था और मैंने स्मॉल में टाइप कर दिया, तो आपको क्या करना है आप तत्काल में सेलेक्ट करिए, यहाँ पे चेंज केस दिया गया है और आपको इसे चेंज कर देना है अपर केस में। देखिए तुरंत फर्स्ट जो है आपका चेंज केस के मदद से जो है चेंज हो गया। तो अब यहाँ पे कैपिटल में और स्मॉल में या सेंटेंस केस में आप तीन जरूरत पड़ेगी आपको, अगर पड़ेगी तो, नहीं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। तो आप लोग यहाँ पे कैपिटल में ही सीधा टाइप करिएगा कैप्स लॉक ऑन करके, अगर पूरा मैटर एक साथ में कैप्स लॉक में तो कैप्स लॉक में टाइप करिएगा आप लोग, एंटर करिए। अब यहाँ पे हमें सेंटर में ले जाना था इस कंटेंट को, तो हमने आपको बताया था कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे, आप सेंटर में प्रेस किया हमने, अब टाइप करेंगे ऐसे ही। ये मैटर आपको कर लगा डेटा एंट्री क्योंकि दोस्तों यहां पे ये आप ढेर सारा टाइपिंग देख रहे हैं कि ये एड्रेस टाइप करना, इस तरह से ही मैटर की आपको प्रैक्टिस करनी है। रनिंग मैटर ज्यादा प्रैक्टिस ना करिए, आप इस तरह से मैटर टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। अब आपको बताते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसका है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं मैटर में टाइप करके दिखा रहा हूं यहाँ का मैटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे लाया मैं। अब ये वाला आपको दिखाता हूं किस तरह से टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं सी सी नंबर, अब ये 1587 ये नंबरिंग आ रही टाइपिंग, तो आप न्यूमेरिकल की का प्रयोग करिए यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल की से आपको क्या होगा आसानी से टाइप हो जाएगा जो है। और जैसे ही आपको थोड़ा बहुत वर्ड आए टाइप करने के लिए तो आप यहाँ पे आसानी से टाइप कर पाए, ये आसानी से हमने टाइप कर लिया। अब हमें टाइप करना क्या है कंप्लेंट, तो हम कंट्रोल एल करेंगे और आ जाएंगे लेफ्ट अलाइनमेंट पे। और हमें टाइप देना अब यहां पे है, और टाइप हमें कहां पे देना ध्यान दीजिए आप लोग, कंटेंट बिल्कुल लगभग बराबर में ही है,
मैं थोड़ा सा इसको घिसका देता हूँ ताकि आपको जो बिल्कुल लगे कि बराबर में ही है। अब मैं टाइप दे रहा हूँ, शिफ्ट टाइप कर दिया, अगर ज्यादा टाइप चला गया तो शिफ्ट टाइप करके मैं वापस ला सकता हूँ यहाँ पे, या मैं इधर से भी वापस टाइप को ला सकता हूँ। हमारे में शॉर्टकट की काम नहीं कर रही है थोड़ी सी, तो आप लोग जो है अपने कंप्यूटर में ऐसे ही करिएगा, यहाँ पे शिफ्ट टैब दबाना है आप लोगों को यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे टाइप किया, फिर टैब दबाया मैंने, रेंज तो इस तरह से हमें टाइप करना यहाँ पे है। अब आगे का हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे यहां पे देखिए लिया हुआ है कि इस तरह से इधर टाइप कर दिया गया, एकदम से लास्ट में टाइप कर दिया गया है, तो ये कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे? देखिए हमें क्या करना है, टाइप प्रेस करते चले जाना है। अभी जरूरी नहीं कितने बार टाइप प्रेस करना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ पे आपको बस फॉर्मेट के हिसाब से टाइप करना है कि कितने वो दिया गया होगा, ये एक अनुमान से आपको यहाँ पे करना है। आप इस तरह के मैटर को आप 4-5 बार टाइप करने प्रयास करिए जो है, ताकि आपको क्या हो जाए, याद हो जाए मैटर आपको जो है। तो ये भी ऐसे आपको टाइप करना है, ये भी आपको ऐसे टाइप करना है ये। और देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जब आप टाइप कर रहे होंगे तो मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूं, वन पॉइंट तो हमें ऐसे टाइप करते चले जाना है। अब देखता हूं मैं आप लोगों को कि कैसे टाइप करना यहां पे। दोस्तों मैं इसको कैसे टाइप करेंगे, इस मैटर को कैसे आप टाइप करेंगे, तो देखिए मैं इस मैटर को टाइप करके दिखाता हूं यहां पे। इस मैटर को कैसे टाइप करना है मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे। अब जैसे मैंने एंटर किया यहां आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए था, देखिए यहां पे सेटिंग को समझिए ध्यान से। इस जगह पे मुझे क्या करना है स्टूडेंट, इसको ध्यान देना है हमें। हम जब यहां एंटर करेंगे तो हमें यहां वाला पॉइंट पकड़ करके यहां लगा कर रख देना है, ये ध्यान रखना है। और अगर आपको अभी भी इससे समझ में नहीं आया तो देखो यहां पर आपको इंक्रीज डिक्रीज इंडेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसके मदद से भी कर सकते हैं। ध्यान से समझिए यहां पे, आपको मैंने पहला तरीका बताया था, फिर से देखिए आप लोग यहां पे। मैंने कहा था कि इसको पकड़ करके इसके बिल्कुल बराबर में लगा रख दीजिए, या मैंने आपको बताया कि आप यहां पे इंक्रीज इंडेंट करिए तो ये आपका यहां पे कर्सर आ जाएगा अपने आप से। अब अगली बार देखिए क्या होगा, जैसे यहां पे 3 टाइप करना है तो हमने यहां पे सीधा कीबोर्ड के ऊपर से ही टाइप कर दिया, मींस कि यहां पे हमने टाइपिंग के लिए न्यूमेरिकल की का प्रयोग नहीं किया। अब देखिए हमारा कर्सर जो ऊपर जाना चाहिए था वो ऊपर नहीं गया, यही मैं आपको बताना चाहता था कि सेटिंग आपको कैसे करनी है इसकी। ये सेटिंग आप कर ले जाएंगे। अब यहां पर भी आपको सेटिंग, ये सेंट्रल अलाइनमेंट है, कंट्रोल ही करेंगे सेंटर में आ जाएगा कंटेंट। यहां पे देखिए कि इसकी टाइपिंग हम कैसे करेंगे, ये वाला पिछले वाले वीडियो में नहीं है, ये आपको यहां पे बता रहा हूं जो, तो इसकी सेटिंग देखिए कैसे करेंगे, ये नया है। मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है फटाफट, इसको करना है अंडरलाइन, यहां पे कंट्रोल ई करना है, सेंटर में जाएगा ये। फिर एंटर करेंगे हम लोग यहां पे,
तो ये देखिए ये सेंटर में जाने का मतलब क्या हुआ कि ये इसके अकॉर्डिंग चला गया यहाँ पे कंटेंट। तो मैंने इसको यहाँ पे पकड़ करके वापस यहाँ कर दिया है और फिर सेंटर किया, अब इसके अकॉर्डिंग सेंटर में गया ये। फिर मुझे कंट्रोलियल करना है, वन पॉइंट ये अंडरलाइन लगा हुआ तो इसलिए हम कंट्रोलियल करके हटा देंगे अंडरलाइन को। वन पॉइंट यहाँ पे हमें देना है टैब, अब देखिए ये भाग गया, तो कंट्रोल जेड प्रेस करिएगा आप लोग यहाँ पे अपने कंप्यूटर में। आप लोग ये शॉर्टकट आप लोग नोट कर लीजिएगा, और वैसे मैं शॉर्टकट आपको जो है पूरा अभी नोट्स करवा देता हूँ दोस्तों। ये थोड़ा वीडियो आपको लंबा बनेगा, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको सारी सेटिंग जो है ये याद हो जाएगी। बस आपको केवल प्रैक्टिस करना है, और आप कहीं भी इधर उधर कंफ्यूजन में मत जाइए कि हमें इधर से कुछ या और कुछ भी चेंजिंग करना है। सेटिंग बस आपको ध्यान रखना है, चाहे जैसा मैटर आएगा आपको एग्जाम में आप आसानी से टाइपिंग कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस वाले केस में आपको जैसा मैंने बताया था ये न्यूमेरिकल जब आप टाइप करिए तो आप इधर से ही टाइप किया करिए, तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप इधर से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि ज्यादा बेस्ट आपके लिए। जैसे कन्वर्ट हो गया तो हम कंट्रोल जेड प्रेस कर दिए तो वापस ई में आ गया। अब यहाँ पे इंटर नहीं करना हमें है दोस्तों। मैंने अभी आप लोगों को जो है कुछ सेटिंग्स और नहीं बताई हैं जो पिछले वीडियो में बताई थी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, पेज सेटअप करना है, कौन सा फॉन्ट लेना है, फॉन्ट साइज कितना लेना है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सेटिंग्स वगैरह हमने आपको जो है जो और सेटिंग्स थी जो हमने पिछले वीडियो में बता दी थी वो आपको नहीं बताई यहाँ पे है। जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको टाइपिंग करना है, और ये मुझे लग रहा है कि ये लगभग लगभग आप टाइपिंग कर ले जाएंगे पूरा पूरा मैटर जो है। अब आपको यहां पे इधर वाला कंटेंट कैसे टाइप करना होगा एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, लेकिन मैं आपको इस वाले वीडियो में इस चीज को रिपीट कर दूंगा जो है। अब मान लीजिए मुझे कि यही सेम मैटर हमें यहां नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल सी किया और नीचे ही पेस्ट कर लिया जो है। अब हम यहां पे इसको कंट्रोल ई प्रेस करेंगे और टैब प्रेस करेंगे और ये लास्ट में अपने आप चला जाएगा। कंट्रोल ई प्रेस करना है और इसे हमें लास्ट में अपने आप चला जाएगा। इनके बीच में गैपिंग अगर रखनी तो थोड़ा सा गैपिंग आप बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते भी हैं। तो ये बस इसी तरीके से सेटिंग इसकी करनी थी, तो ये मुझे लग रहा है कि आपको मैंने पूरा बता दिया है। चलिए मैं आपको अगले पे दिखाता हूं ऐसा इसमें क्या है जो आप नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ पेज को, आप लोग ध्यान से देखिए। तो इसमें पेज का कुछ हिस्सा ये पूरा यहाँ पे या तो प्रिंट नहीं है, यहाँ पे कुछ हो सकता है कि लेटर पैड रहा हो या कुछ और रहा हो। तो अगर आपको इतना छोड़ के प्रिंट करना है तो कैसे आप प्रिंट करेंगे? तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे आप लोगों को ये हटा देता हूं पूरा, मैं एक नया करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए कि लगभग कितना होगा अनुमानन, लगभग यहाँ पे एक डेढ़ या डेढ़ के आसपास है, तो एक मैं ले लेता हूं, मुझे लग रहा है एक ही के आसपास होगा। इतना इतना मैंने कर दिया, यानी अभी पैराग्राफ समझ लीजिए कि यहीं से वर्किंग आपका होगा पूरा, प्रिंटिंग में आपको जो स्टार्ट हो गया टाइपिंग पूरा स्टार्ट होगा यहीं से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं, अब आप लोग देख पा रहे होंगे, चलिए मैं इसे करके अब दिखाता हूं आप लोगों को। मुझे बोल्ड में करना है तो कंट्रोल बी करेंगे, पहले कैप लॉक कर लीजिए क्योंकि सारा कैपिटल में टाइप करना है।
अब मैं एंटर करूंगा नीचे और यहाँ पे कैप्स लॉक हटा दूंगा। सेटिंग का ध्यान रखना है विशेष तौर पे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इसको, इस मैटर को हम कैसे टाइप करेंगे जो है एमएस वर्ड में, तो मैं यहाँ पे देखिए करके आपको दिखा रहा हूं। मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं पहले बोल्ड रखूंगा। सिंगल स्पेस, यहां टाइप करके स्पेस दिया, आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अब इधर मुझे क्या करना है, ये मैंने बोल नहीं किया था। अब इससे पहले क्या करना है, कंट्रोल ई करना है सेलेक्ट करके, कंट्रोल ई, सॉरी यहां पे कंट्रोल ई ना करिए, आपको बस केवल टाइप कर दीजिए इसे। तो ये आपको ध्यान देख लेना कि कहां तक ये दिख रहा है, तो सेशन के आसपास यहां पे जा रहा है, तो ये हमने सेशन के आसपास रख लिया यहां पे। अब बाकी फॉन्ट साइज वगैरह मैं आपको सेट करना इसमें नहीं बता रहा हूं, वो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपको पता है तो आपको जो है जरूरी नहीं कि आप पिछला वीडियो देखिए। तो ऐसे ही आपको जो भी मैंने टाइपिंग करना बताया इसमें भी आप टाइपिंग कर ले जाएंगे आप आसानी से। ये जो यहां पे पॉइंट्स होता है ध्यान रखिए कि इन्हें बराबर रखना होता हमें, ये पॉइंट्स हमें यहां पे क्या करने होते हैं बराबर, इसमें बराबर है नहीं हल्का, लेकिन आपको क्या करना होता है ये बराबर ही रखना होता है यहां पॉइंट्स को। तो दोस्तों आप इन पॉइंट्स को बराबर रखने का प्रयास करिएगा, और ये कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया अभी। तो इसका भी मैटर लगभग लगभग आप लोग टाइप कर ले जाएंगे। इसमें आप लोग जैसे नंबर्स टाइप करने का जो नंबर फॉर्मेटिंग है, कुछ वर्ड है हाई कोर्ट के जो वो भी आपको लिए इंपॉर्टेंट है बने बनाए, तो वो वर्ड अगर आप टाइप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सेक्शन आपको कोई याद करना, जैसे इसकी फॉर्मेटिंग में टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप लोग क्या करिएगा इस सिचुएशन में आप लोग न्यूमेरिकल की का उपयोग करिएगा, जो कीबोर्ड के एकदम लास्ट में जो है कॉर्नर पे रहता है उसका प्रयोग करिएगा, तो जल्दी टाइपिंग होगा आपका जो है। अगर न्यूमेरिकल की का आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपका जो है उसको कैसे करना है वो आपको हम बताएंगे। तो इसमें लगभग लगभग ऐसे ही टाइप करना है आपको, है आपको 1500 वर्ड जैसे आपको लगे कि हमने कर लिया है आप उसको टाइपिंग करना छोड़ दीजिए दोस्तों। और इसी तरह से आपको क्या करना है प्रैक्टिस करना। अब ये वाला आप लगभग लगभग बना ले जाएंगे, इसमें कुछ ज्यादा आपको टफ नहीं है। ये देखिए इसको मैं बता देता हूं ये वाला कैसे करेंगे आप लोग। जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था ये है तो वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, तो मैं इसको बता देता हूं आपको कैसे करना है। यहां पे मैंने टाइप कर लिया है, अब इसको क्या करना होगा, इसका अलाइनमेंट कंट्रोल आर कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, केवल कंट्रोल आर यहाँ पे यूज करना है, ये अपने आप आ जाएगा। दोस्तों इसके बीच में स्पेस कितना रखना है यहाँ पे, तो कंट्रोल वन करेंगे वन लाइन स्पेस रहेगा, कंट्रोल टू करेंगे तो टू लाइन की स्पेस रहेगा, कंट्रोल फाइव करेंगे तो फाइव लाइन की स्पेस, 1.5 लाइन की स्पेस हो जाएगी। कंट्रोल वन करना है यहाँ पे है, और अगर इसमें तब भी स्पेस कम ना हो तो यहाँ पे देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ध्यान देना है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये अपने आप आ जाएगा। कंट्रोल वी कर लीजिए, आसानी से आपका ये वैसे का वैसे बन जाएगा जो है। तो ये आपको दिखा दिया हमने, आपको दूसरा दिखाते हैं कैसे करना है। इसमें अगर कहीं भी आपको ये भी अब आप टाइप कर ले जाएंगे, राइट अलाइनमेंट पे दिया गया है, कंट्रोल आर करके टाइप करिएगा, ये बोल्ड है और अंडरलाइन करके दिया गया है, ये भी आप टाइप कर ले जाएंगे। अगर कहीं कोई डाउट होता है मैटर तो आप हमें जो है कमेंट करिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो मैंने बताया है लगभग लगभग उससे सारे फॉर्मेटिंग्स आपके हो जाएंगे। इसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ, फूटर, ये जो फूटर दिया हुआ है हेडर, ये हेडर फूटर दिया हुआ है, मैं आपको इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ हल्का सा केवल।
फुटर के लिए या हेडर के लिए अगर आपको जाना है तो इससे किसी में भी जाइए, और आपको यहाँ पे पेज नंबरिंग लेनी है तो कौन सा लेना है आपको है वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, या पेज नंबरिंग के लिए यहाँ पे अलग से दिया गया है बॉटम के लिए, तो आप बॉटम्स में पेज नंबरिंग ले सकते हैं बस केवल। तो ये पेज नंबरिंग आपका आ गया, अगर कुछ लिखना भी इसके अंदर है तो आप लोग लिख भी सकते हैं आसानी से। आपको इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो ये क्या होगा, जो फुटर आपका होगा या हेडर आपका जो भी होगा वो हर पेज पे डिस्प्ले करेगा। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो भी टाइपिंग करने वाला सेटिंग था एमएस वर्ड में वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि एमएस वर्ड से अगर हम सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करेंगे तो कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए आप लोग पहले एमएस वर्ड पे टाइपिंग कर लीजिए, जैसा कि मैंने देखो यहाँ पे टाइपिंग कर रखा है, ध्यान से आप लोग देखिए ये मैंने फॉर्मेटिंग पूरा कर रखा है, और ये फॉर्मेटिंग ही आपको क्या करना है, पहले देखिए ये इतना टाइप किया हुआ मैटर आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना आपका मैटर है पूरा पूरा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें कहीं भी छोटी सी मिस्टेक करेंगे तो ये आपसे गड़बड़ हो सकता है जो है, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए। कॉपी मैंने क्या किया है, कर लिया सारा। कॉपी करने के बाद में आपको रैपिड टाइपिंग खोलना है। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप लोग पहले इसे डाउनलोड कर लीजिए गूगल से, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रहा हूं रैपिड टाइपिंग। वैसे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसका, रैपिड टाइपिंग को खोलिए, ये फ्री है एकदम से, आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इस सॉफ्टवेयर को आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। इस सॉफ्टवेयर को क्या करना है, यहां से डाउनलोड करने का दिया गया लिंक, आप यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आपको ओपन करना है इसको है, जैसा कि मैं यहाँ पे ओपन किया हूं। इसके देखिए ऊपर दिया हुआ है लेसन है, यहाँ पे आपको जाना है, एडवांस में जाना है और लेसन नंबर आपको कोई भी इसमें से ले लेना है, उसको पूरा का पूरा हटा देना है। जैसा कि लेसन नंबर 3 लिया मैंने, इसको हटा दीजिए पूरा, जो आपने कॉपी किया था वही पूरा लाकर के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ये एडिटिंग आपके कंप्यूटर में तभी दिखेगी जब आपका कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में ओपन होगा, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर का जो यूजर है अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में नहीं है तो ये ओपन सेटिंग नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि रैपिड टाइपिंग जब आप खोलेंगे तो यहां पे राइट क्लिक करिएगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिएगा, तो ये आपका जब खुलेगा तो आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाएगी। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब पेस्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये हमारे पास मैटर आ गया है, और ये मैटर मुझे सब टाइप करते जाना है। ये है इंटर की, ये है टैब, जो भी आप यहां टाइप करेंगे इसमें जब भी कोई गलत होगा तो टाइपिंग नहीं हो पाएगी, कुछ भी अगर गलत होगा तो टाइपिंग यहां पे आपको एरर दे देगा। यहां से आपको ये फायदा होगा कि आप यहां पे स्पीड भी आप चेक कर पाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज आपका नुकसान होगा कि यहाँ पे जो सेटिंग है कंट्रोल बी कॉपी पेस्ट, ये ढेर सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपको बाकी फॉर्मेटिंग सारा मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको केवल ऐसे दिखा रहा हूं, आप यहाँ पे देखते जाइए, नीचे काफी सेटिंग्स दी हुई है सारी सेटिंग, मैं यहाँ पे आपको सेटिंग दिखा दे रहा हूं खाली, ये सब गलत टाइप हो रहा है, यहाँ पे सारा गलत टाइप हो रहा है। मैं केवल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको कि नीचे कैसा दिखेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे हमें सारा सेटिंग देखिए दिखता जा रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको इसकी स्पीड यहाँ पे दिखती चली जाएगी कि आपकी किस स्पीड में क्या और टाइप किया, एक्यूरेसी क्या है आपकी दोस्तों। तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर इसी प्रकार से टाइप करना है। अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू होती है आपको जो है या आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं एडवांस टाइपिंग फॉर्मेटिंग एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, आपको बता दिया। अब मैं आपको अगले टॉपिक पे बता रहा हूं, अगला टॉपिक हमारा क्या होगा इसमें। तो यहां पे अगला टॉपिक हमारा है दोस्तों डेटा एंट्री एंड वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन।
एक्चुअल में जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो है डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। इसमें आपको वर्किंग करना आना चाहिए, यानी कंप्यूटर में आपको जो वर्किंग है, यानी कि जो भी आपको हमने सिखाया यहाँ पे काम करने का, जो भी आपको यहाँ पे डेटा मिलेगा टाइप करने का, ये पूरा आपको आना चाहिए। तो ये काम आपको कैसे करना है ये मैंने आपको बताया, जो कि आपको एमएस वर्ड पे करना है। एमएस वर्ड का मतलब यहाँ पे दिया गया वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि आपको एमएस वर्ड की पूरी जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए दोस्तों। साथ में आपको दिया गया कंप्यूटर ऑपरेशन। कंप्यूटर ऑपरेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको कंप्यूटर को खोलना, बंद करना, प्रिंट आउट निकालना, ईमेल करना, डेटा कोई भी आपका है कंप्यूटर में उसे कॉपी करके सीडी में या पेन ड्राइव में ले जाना, वापस अपने कंप्यूटर में लाना, ये सारा काम आपको डेटा ऑपरेशन के अंतर्गत है, कंप्यूटर ऑपरेशन के अंतर्गत आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि हम 500 वर्ड 15 मिनट में क्या टाइप हो पाएगा कि नहीं टाइप होगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ऑनलाइन जानकारी दे रहे हैं कि आपको 500 वर्ड टाइप नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर 500 वर्ड क्या पॉसिबल है जो है। मैं आपको बता देता हूं कि आप जब शुरुआत टाइपिंग किए थे तो क्या आपकी स्पीड क्या थी जो है, क्या आपकी 40-50 वर्ड पर मिनट थी, 20-30 कुछ भी थी आपकी, नहीं थी ना। आप यहां पे घबराइए नहीं, आप टाइपिंग करने स्टार्ट करिए। अभी आप जो है रनिंग वाला टाइपिंग करते थे, पहले देखिए आप कैसे टाइपिंग करते थे। आप लोग कंप्यूटर में इस तरह की टाइपिंग करते थे, रनिंग मैटर टाइप करते थे, तो इसमें स्पीड आप क्या दी थी जो है। हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे स्टूडेंट टाइप करते हैं जिनकी 50-60 तक की स्पीड है रनिंग मैटर पे। अब वो रनिंग मैटर में नहीं, अब जैसे इस तरह का टाइपिंग आएगी या इस तरह की टाइपिंग में उनकी स्पीड कितनी होगी। जब तक आप उस तरह के मैटर को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी। तो आपको सबसे पहला बात याद रखना है कि 15 मिनट से कम समय में कैसे टाइप करना है, ये हमें फोकस करना है। 15 मिनट से कम समय में टाइप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। टाइपिंग में घबराइए नहीं कि हमारी स्पीड आई नहीं जो है, हम वहां पे घबराना शुरू कर दिए। आपने कोई वीडियो देखा, किसी ने आपको बताया कि अरे इतना बहुत ज्यादा हो गया है जो है, तो आप यहां घबराइए नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, स्पीड आएगी, ये मेरी गारंटी है। आपके पास अगर कोई गलत जानकारी दे रहा है तो आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आपकी स्पीड 100% आएगी। हाँ, बट एक चीज ध्यान रखिए, स्पीड को आप 2 दिन में मत चेक करिए, क्योंकि 2 दिन में स्पीड नहीं आती है। आप प्रतिदिन 2 घंटा प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप बताइए कि आपकी स्पीड आई कि नहीं आई। अगर आपकी स्पीड नहीं आती तो आप मुझे बोलिएगा जाए, स्पीड 100% आएगी आपकी, बढ़ेगी। आपको बस केवल क्या करना है, प्रैक्टिस करना है दोस्तों। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगी स्पीड, प्रैक्टिस करना जरूरी है। कंटेंट को कैसे डाउनलोड करना है आपको दोस्तों, तो देखिए आपको जो वीडियो देख रहे होते हैं वहां पे आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां भी आपको मिल जाएगा, ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, आप इन्हीं लिंकों पे क्लिक करेंगे आपको ये कंटेंट सारे डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स जहां आप कमेंट करते हैं वहां पे भी मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपको डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं शॉर्टकट कीज की, शॉर्टकट कीज यहाँ पे कौन कौन सी है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं आपको उनका यूज करना भी बता देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, इस वाले वीडियो में मैंने काफी शॉर्टकट कीज आपको डिस्क्राइब किए। साथ में कंट्रोल एल का मतलब होता है लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में आपका कंटेंट चला जाएगा। यहाँ पे जैसा कि मैं यहां पे टाइप कर रहा हूं और कंट्रोल एल किया तो ये मैं टाइप कर रहा हूं तो ये लेफ्ट अलाइन कहलाएगा। इस तरह से टाइप किया गया मैटर हमारा लेफ्ट अलाइन यहां पे कहलाएगा। राइट लाइन मतलब यहां पे जो ये राइट अलाइन में टाइप किए गए कंटेंट, ये वाले कंटेंट्स हमारे, ये कंटेंट जो टाइप किए गए राइट लाइन कहलाएंगे। सेंटर मतलब ये सेंटर अलाइनमेंट है। जस्टिफाई क्या होता है, अरे जस्टिफाई भी बता देते हैं आप लोगों को साथ में। कई बार स्टूडेंट्स आपको दिक्कत ये होती है कि आपको कई जानकारियां समझ में नहीं आती ठीक से, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और आराम से देखने प्रयास करिए ताकि आपको चीज समझ में आए। नोट करते जाइए, हो सकता है कहीं भी मुझसे भी इसमें कहीं गलती हो जाती हो, मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं आपको बताने का। तो यहां पे जस्टिफाई करने के लिए आपको देखिए इधर का अलाइनमेंट बराबर नहीं है, इधर का अलाइनमेंट देखिए बराबर है, तो जैसे हम यहां पे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे या कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो देखिए ये इधर का जो अलाइनमेंट है ये बराबर हो गया है। तो बस इसी काम के लिए यहां पे हम लोग जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। कॉपी करना, पेस्ट करना मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। आप जब भी टाइप प्रेस करेंगे, टाइप मीन्स क्या, यहां पे
जैसे आप यहाँ पे टाइप प्रेस करेंगे तो ये 0.5 इंची यानी आधा इंची आपका जो है स्पेस देता है यहाँ पे, और अगर आप शिफ्ट टाइप प्रेस करते हैं तो वापस ये आधा इंची वापस ले आता है, तो ये ध्यान रखना आपको है। और इंटर करेंगे तो आपकी न्यू लाइन आ जाएगी। कुछ बच्चों ने हमें कमेंट किया था कि इंटर करने पर जो है पेज ब्रेक हो जाता है, जो आपको ध्यान रखिए कि इंटर करने पर अपने आप जो है नया लाइन आप लाइन पर पहुंच जाते हैं। पेज ब्रेक का जो ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, देखिए इंसर्ट में पेज ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा और कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करूंगा तो अपने आप मैटर नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो पेज ब्रेक का ऑप्शन ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, जबकि हम जब टाइप करते जाते हैं तो मैटर जैसे अपने आप एक पेज में भर जाएगा अपने आप दूसरा पेज खुद आ जाता है, तो आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आपको पेज ब्रेक का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। इंटर करने मतलब है न्यू लाइन से। इधर के शॉर्टकट कीज को देख लेते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ये कॉपी फॉर्मेट और कॉपी जो है पेस्ट फॉर्मेट क्या है आइए देख लेते हैं इसको भी एक बार। दोस्तों देखिए मैं यहाँ पे जैसे मैंने टाइप कर लिया और इसको बोल्ड हमने नहीं किया, या बोल्ड कर लिया और इटैलिक भी कर लिया है, अंडरलाइन भी कर लिया है, कलर भी कर लिया, ये सब कई फॉर्मेट हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। अगर इस फॉर्मेट को हम चाहें तो एक तरीका देखिए यहाँ पे है, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए और जो भी आपको अप्लाई करना है यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। और अगर आपको ये वाला फॉर्मेट कंट्रोल शिफ्ट सी से करिए कॉपी, तो ये कॉपी रहेगा। आपको जब जब जहां जहां अप्लाई करना होगा कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा अपने आप से सारा इसके ऊपर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दोनों तरीके का यूज कर सकते हैं, माउस के साथ और शॉर्टकट की के साथ में। यहाँ पे कंट्रोल प्लस इक्वल, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही हम लोग टाइप करते हैं, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूं फॉन्ट साइज ताकि आपको पता चल पाए, और मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करता हूं, देखिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट चला गया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में इक्वल किया तो ये सुपरस्क्रिप्ट चला गया। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं कि शॉर्टकट कीज इसका यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, तो आपको क्या करना है शॉर्टकट कीज आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जैसे ही आप टाइप करते हैं जैसे मैं यहाँ पे 12th टाइप करता हूं, देखिए जैसे आपको टाइप करेंगे ये अपने आप ऊपर चला जाना चाहिए था, ऊपर ये गया नहीं, यहाँ पे ये लगा हुआ है, रुक जाइए मैं आपको दूसरी बार सेटिंग करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा सेटिंग अप्लाइड था इसलिए मुझे लग रहा है, हमने हटा देते हैं यहाँ पे और इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको पता चले 12th। जैसे आप स्पेस देंगे ये अपने आप खुद ही ऊपर चला जाएगा, तो एक तो ये अपने आप चला जाता है और दूसरा अगर नहीं जाता है तो इसको हमें शॉर्टकट के थ्रू करना होता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा 1 लाइन 2 लाइन और 1.5 लाइन की स्पेसिंग मैंने अभी आपको शॉर्टकट की बताई थी, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एक बार, Ctrl 1 Ctrl 2 Ctrl 5 Ctrl 1, तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट कीज का यूज कर सकते हैं आप दोस्तों। तो ये मैंने आपको पूरी इसमें जो भी जानकारी थी आपको बता दिया इसके अंदर जो है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है दोस्तों तो आप लोग इसे लाइक कर लीजिए, और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।